एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ डायपोल लाइंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इस टॉपिक को समझने से पहले एक पॉइंट को समझें। पॉइंट ये है, सपोज करो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब कि मान लो कि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इन राइट डायरेक्शन, इमेजिन करो ऐसे, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। सपोज करो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल पड़ा हुआ है, ये रहा इलेक्ट्रिक डायपोल, सच दैट ये मान लो पॉजिटिव प्लेट है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की और ये नेगेटिव प्लेट है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। तो इमेजिन करो यहां पर एक चार्ज पड़ा हुआ है माइनस क्यू और यहां पर एक चार्ज पड़ा हुआ है प्लस क्यू, ये डायपोल है, राइट। ये डायपोल ऐसे रहना पसंद करता है, इसकी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है, नेगेटिव चार्ज इसे अट्रैक्ट कर रहा है, तो फोर्स की वैल्यू कितनी है क्यू ई राइट की तरफ, और ए नेगेटिव चार्ज विल बी अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कितनी क्यू ई। तो नेट फोर्स क्या आ गई इसमें जीरो, नेट फोर्स की वैल्यू जीरो आ गई, तो ये हिलेगा नहीं, ऐसी रहना पसंद करेगा, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। पर आपने क्या किया, आपने इसको हल यहां से हिंज डाइए, मतलब ये पेच लगा हुआ है और घूम नहीं सकता, तो आपने इसको हल्का सा रोटेट कर दिया अपने हाथ से जाके ऐसे। तो इससे क्या हुआ, जब हल्का रोटेट किया तो ये प्लस क्यू माइनस क्यू ऐसे हो गया, एट एन एंगल ऑफ थीटा रोटेट किया विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब क्या हुआ, इस पॉजिटिव चार्ज ने फोर्स एक्सपीरियंस की राइट की तरफ क्यू ई और इस नेगेटिव चार्ज ने यहां फोर्स एक्सपीरियंस की मैग्नीट्यूड में कितनी क्यू ई। तो ये क्यू ई ने टॉर्क जनरेट किया, क्योंकि अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम पोजीशन जो डायपोल की यही थी, तो ये यहां पे रेस्ट पे आने की कोशिश करेगा, तो क्या जनरेट होगा टॉर्क, तो घूमेगा, घूम के नीचे आएगा, तो टॉर्क जनरेट होगा। क्वेश्चन है कितना टॉर्क जनरेट होगा, तो टॉर्क क्यों जनरेट होगा समझ में आ रहा है। और दूसरी चीज, एक और चीज सुनो, वो अगली बार करेंगे वैसे, अगर ये हिंज्ड है और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ऐसे आएगा तो ये ना आ नहीं पाएगा, ब्रेक्स थोड़ा लगी हुई है, हल्का सा नीचे चला जाएगा, फिर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस आएगा, हल्का सा ऊपर चला जाएगा, फिर इक्विलिब्रियम में पास आएगा ऐसे। प्रूव करो ये एंगुलर SHM का केस है, आएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस है, ये NCERT का पार्ट नहीं है, पूछ लेता है कि प्रूव करो ऐसा घूमना एंगुलर SHM है, ठीक है। पर अभी नहीं, अभी सिर्फ टॉर्क निकाल लेते हैं। तो एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ये आपके NCERT में आएगा, और ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा वो भी बताऊंगा आपको। NCERT के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हम 10 ईयर सॉल्व करवाते हैं, हमें क्लिक कर जाता है टीचर्स को कि हाँ यार मुझे देखा हुआ है क्वेश्चन, इसके अंदर क्या ऑब्जेक्टिव आएगा वो भी बताऊंगा। पर आपने जब पेपर में आएगा डायग्राम ऐसे बनाना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डायपोल है विद लेंथ 2a, थीटा एंगल पे है, थीटा थीटा कॉरस्पॉन्डिंग क्यू ई फोर्स है, ये डॉटेड लाइन बनानी है कंस्ट्रक्शन, अगर ये 2a ये थीटा तो ये 2a साइन थीटा, क्यू ई इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है, इसे आप कपल बोलते हैं, कपल मीन्स इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है कपल में, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। तो फोर्स कितनी लग रही है क्यू ई, कोई भी एक फोर्स ले रहे हैं F इक्वल टू क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो फोर्सेज में कितना है 2a साइन थीटा, देखो ना दो फोर्स में 2a साइन थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आएगा क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा, क्यू इंटू 2a क्या होता है पी, तो टॉर्क का फॉर्मूला पी ई साइन थीटा, क्लियर है पी साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, फिर एंगल थीटा इज एंगल बिटवीन पी एंड ई, ये देखो पी वेक्टर का है माइनस से प्लस, ई वेक्टर का है ये रहा, दोनों के बीच में एंगल क्या है थीटा, ये फॉर्मूला है। तो नोट करें, वो नोट कर लिया, रिंग के सेंटर पे नेट ई जीरो लिखवाया था मैंने, तो टॉर्क का फॉर्मूला नोट करें, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला पी ई साइन थीटा, वेक्टर फॉर्म में पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, स्पेशल केस अगर डायपोल अलाइंड है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, यानी कि एंगल या तो जीरो है या 180 है, साइन जीरो भी जीरो है, साइन 180 भी जीरो है, तो टॉर्क क्या रहेगा जीरो, और अगर एंगल 90 है तो टॉर्क क्या आएगा मैक्सिमम, क्योंकि साइन 91 इज मैक्सिमम,
तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा जब एंगल क्या होगा पी और ई वेक्टर के बीच में 90। ये ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है इक्विलिब्रियम पे, बहुत बहुत आता है, अगली बार करवाऊंगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक?